हो चुकी है सुबह की शुरुआत एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी को नीतू की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। ये वीडियो है संडे की और आज जो है कि अंकुश का मैच है और डेट है आज 31। तो 31 का और संडे दिन का ही ये वीडियो है और अभी 2-3 दिन से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है गांव से आने के बाद और बच्चे लोगों का भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो लोग फिर भी स्कूल अभी जा रहे हैं और स्कूल तो 1 अप्रैल से ही चालू हो चुकी है बच्चों का, तो वो लोग तो स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ घर के साफ़ सफाई में। मेरा जो यहाँ गेट के पास मैं मिट्टी दिखा रही थी ना, यहाँ पे बहुत मिट्टी निकालते रहता है और कीड़ा जो है ना लगा हुआ रहता है, कीड़ा ही मिट्टी को निकालता है और पता नहीं उसे क्या कहते हैं, और बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है यहाँ गेट के पास। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई हूँ और ना ये जो क्वार्टर है ना इसमें धोने में ना बहुत परेशानी होती है, पानी कहीं से निकलने का साधन ही नहीं है तो बहुत परेशानी होती है धोने में। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर पोछा ही लगाती हूँ जब धोती हूँ ना, तो बहुत परेशानी होती। और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 9 बज गए हैं घर का इतना सारा काम करते करते। और देखिए जब तक हम नहा रहे थे तब तक मेरी बिटिया रानी क्या कर रही थी, तो देखिए यहाँ भिंडी काट के रखी है और प्याज भी काटी है और बहुत रोई भी है। देखिए ये रही प्याज और ये है भिंडी काट के रखी है। तो आज ना मेरा घर एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ठंडा नहीं ठंडा ठंडा लग रहा है। और कपड़ा भी धोई हूँ 2 बाल्टी, इसको चलते हैं बाहर डालेंगे धूप में सूखने के लिए। और लक्ष्मी और अंश जो है कि अभी टीवी देख रहे हैं, तो चलते हैं बाहर कपड़ा डालेंगे, 2 बाल्टी को लेके चलते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। अभी बच्चे लोग से पूछते हैं कि क्या ये लोग खाने वाले हैं और भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। और कौन सा काम किया? या पोछा लगाई हूँ। पोछा तो मैं लगाई हूँ। मैं लगाई ना सर। हाँ पोछा हम लगाए ना, थोड़ा सा किया है हेल्प, थोड़ा सा करना चाहिए ना। कल से कल से तो स्कूल भी है, कल 1 अप्रैल है और कल से इन लोगों का स्कूल भी है, चाहिए कल से लगा के यूनिफॉर्म वगैरह सब निकालना पड़ेगा अभी इन लोगों का। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता और खाना, दोनों एक ही साथ बनाएंगे क्योंकि आज संडे है। तो अंकुश और अंकुश के पापा तो एकेडमी गए हैं, अभी आएंगे। मेहंदी दिखाना रे, कौन लगाई थी मेहंदी? रुचि लगाई थी, पीछे दिखाना, अच्छा लग रहा है डिजाइन तो बहुत अच्छा है, दोनों हाथ में लगाई थी। और गाइस आप सभी की तरफ गर्मी कैसी है ज़रूर बताइए कमेंट में। यहाँ तो बहुत गर्मी है और धूप ही ना बहुत तेज़ निकल आती है सुबह ही, और बहुत गर्मी भी है यहाँ पे।
और मैं ना दाल चावल सब्जी और रोटी बना रही हूँ, पराठे बनाऊँगी क्योंकि अंकुश के पापा आ गए हैं तो वो जो है लंच लेके जाएंगे अभी। उसके बाद अभी आप सभी से मैं मिल रही हूँ दोपहर के टाइम, यानी कि 2 या फिर 2:30 जो है कि बज रहे होंगे। और अभी कपड़ा ना बहुत जल्दी ही सूख जाती है तो सारे कपड़े को मैं ले करके आ गई हूँ। क्या सब पैसा दे लगे तब लाएंगे। मैंने की मम्मी के पास में 100 रुपए चावल पे आ तुम टिकली पाउडर ले क्या कहां है मम्मी पास 100 रुपए। ये लो जल्दी से हटा यहां से सामान हटा बेटा। वो घर में रहेगी मेरी मम्मी जाएंगे मैं भी जाऊंगी। देखिए दोस्तों इतना जो कि कचरा निकला हुआ है कूलर के पीछे में था सबको ना झाड़ अभी ये सब सामान को एडजस्ट करना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए हटाना पड़ेगा यहाँ से सारा सामान। कल है 1 अप्रैल और कल है अप्रैल फूल भी तो डे है। और यहाँ पे ना कूलर हम लोग निकाल रहे थे शाम के टाइम क्योंकि इस रूम वाला फैन जो है ना पता नहीं मेरा ठीक से हवा नहीं दे रही है और गर्मी भी इतना है कि बच्चे लोग 2 दिन से परेशान हैं, बोल रहे थे कूलर निकाल दो कूलर। तो फिर हम लोग कूलर के पीछे ना इतना सारा चूहा जो है ना कॉपी पेपर वगैरह इतना काट के रखे थे ना बहुत सारा गंदा था। एक कूलर अभी और है ऊपर में तो मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और पता नहीं और भी होगा तो जब वो कूलर नीचे करेंगे ना तो फिर गंदा जो है कि निकालेंगे। और अभी रात के 8 बज रहे हैं और बच्चों लोगों का जो है कि बुक लाने गए थे अंकुश के पापा, हमको भी बोल रहे थे जाने के लिए लेकिन हम नहीं गए। आज दिन भर बहुत परेशान हो गए काम करते करते, गर्मी में हालत ख़राब हो गई मेरी। और यहाँ पे बच्चों लोगों का बुक और कॉपी अभी आया है तो अभी लक्ष्मी का तो बुक पूरा आ गया है लेकिन अंकुश और अंश का आधा ही बुक आया है और कॉपी अभी तीनों बच्चों का जो है कि आधा ही आया है। इतना सारा कॉपी आया है लेकिन अभी पूरा कॉपी जितना बुक रहता है ना उतना कॉपी अभी नहीं आया है। तो कवर वगैरह जो लगाते हैं काफ़ी थक गई हूँ इस वजह से मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, बस सब्जी और चावल बना रही हूँ। यहाँ पे आलू फ्राई की हूँ और ये परवल फ्राई की हूँ और ये देखिए दिन का ही रोटी है। मोबाइल लेके चले गए थे हमको उसके पापा जिस वजह से वीडियो भी नहीं शूट कर पाए। आज सब्जी से खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं तो ऐसा मत किया कीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही तो डॉलर बन रहे हैं, मैं बस यूं ही वीडियो डालती जा रही हूं, एक उम्मीद रखी हूं अपने मन में एक दिन मैं कामयाब ज़रूर होंगी। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो जल्द ही हो जाएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बन चुकी है और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप सभी को आप सभी कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए कल है अप्रैल फूल, वीडियो तो हमारी लेट ही जा रही है तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, थैंक्स।